एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद से ही एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। ट्विटर के कुल 7,500 स्टाफ में से अकेले भारत में 200 से ज्यादा एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बर्खास्त होने वाले आधे से ज्यादा कर्मचारी इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन टीमों में काम करते थे। कंपनी में चल रही छटनी को लेकर एलन मस्क ने कोई और रास्ता न होने की बात कही है। मस्क ने कहा कि जिन्हें भी निकाला गया है उन्हें 3 महीने का सेवरेंस दिया गया है, जो कि कानूनी तौर पर दिए जाने वाले अमाउंट से 50% ज्यादा है। वर्कफोर्स को कम करने के प्लान पर नाराजगी जताते हुए एम्प्लॉयज ने सैन फ्रांसिस्को फेडरल कोर्ट में एक क्लास सेक्शन लॉ सूट फाइल किया है। उनका कहना है कि कंपनी ने फेडरल और कैलिफोर्निया लॉ का उल्लंघन किया है। एम्प्लॉयज को निकालने से पहले कंपनी को 60 दिन पहले एडवांस नोटिस देना चाहिए था।